हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पार्ट वन पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर 12th मैथ्स क्रैश कोर्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो क्या है, इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एनी टू नॉन जीरो नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर कोलिनियर वेक्टर। मतलब सर? हाँ बता दो। नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है वो। नॉन कोलिनियर वेक्टर मतलब एक ही पॉइंट पे नहीं है, मतलब एक ही लाइन पे, उसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर। ठीक है, विथ विथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैन बी uniquely expressed as r vector equal to t1 a vector plus t2 b vector। ठीक है, where t1 and t2 are scalar, scalars। ठीक है, तो प्रूफ कर देता हूँ, बहुत सिंपल है। जैसे एक पॉइंट ले लो, वो ओरिजिन, ये ए हो गया लाइन ओ ए, ठीक है, यहां से गया ओ बी। एक पॉइंट है पी, वो है आर डिस्टेंस पे ओरिजिन से, ठीक है। तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, पैरेलल मतलब दिस पैरेलल टू दिस और दिस पैरेलल टू दिस, पैरेललोग्राम मतलब ये होता ना, ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा T1A और ये है T2B, तो ये और ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी T2B होगा, ये T1A है तो ये क्या होगा T1A, बराबर यहां तक। तो देखो R इज ए कोप्लैनर विथ A एंड D। अभी आंसर बता देता हूं, लेट RB कोप्लैनर विथ A and B and B so that there exist unique scalar T1 and T2। ठीक है, तो R vector equal to क्या मिलेगा T1A plus T2B। ये कैसे मिलेगा, देखो ये R vector है, देखो triangle law से क्या करता है, this vector plus this vector equal to resultant vector मिलता है ना, तो T1A plus T2B equal to R vector होगा, समझा क्या। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ठीक है, लेट ए बी अलोंग ओ ए एंड बी बी अलोंग ओ बी गिवन वेक्टर आर विथ इनिशियल। तो ये तो हो गया ना, क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर इज अलोंग ओ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज अलोंग ओ बी वेक्टर या ओ बी लाइन, ठीक है। ये ए जो है इस लाइन पे है और बी वेक्टर जो है इस लाइन पे, समझाया गया। तो अगर मैं अनदर पॉइंट्स मान लू एस वन एस टू, तो क्या आएगा बताओ। तो आर वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस वन ए प्लस एस टू बी वेक्टर, ठीक है। अभी वन को टू से सेपरेट कर, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, ठीक है। तो वन माइनस टू करो तो क्या मिलेगा बताओ, वन माइनस टू करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉज कर। तो वन और थ्री को माइनस कर दिया तो आर माइनस आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो आर माइनस वन जीरो कर दे, तो r माइनस आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर लिख दो, ये क्या है t1 a वेक्टर प्लस t2 b वेक्टर माइनस s1 a वेक्टर माइनस s2 b वेक्टर। तो ये दोनों में से कॉमन ले लो और ये दोनों में से कॉमन ले लो, तो a1 वेक्टर t1 माइनस s1 प्लस b वेक्टर t2 माइनस s2 वेक्टर बराबर है इक्वल टू जीरो, समझ में आया गया। जीरो क्यों हुआ समझ में आया, आर माइनस आर जीरो होता है ना,
तो यहां से क्या कंक्लूजन लिख सकता हूं, एक बार ये टर्म इक्वल टू जीरो है, एक बार ये टर्म इक्वल टू जीरो है ना, इसका मतलब टी वन इक्वल टू एस वन हो गया और टी टू इक्वल टू एस टू हो गया, ठीक है, नहीं समझा तो लिख देता हूं, ए वेक्टर टी वन माइनस एस वन इक्वल टू जीरो, तो टी वन इक्वल टू एस वन आएगा। सिमिलरली बी वेक्टर इंटू टी टू माइनस एस टू इक्वल टू जीरो, तो टी टू इक्वल टू एस टू आएगा। याद रखिए ना, चलो लिख लो, बहुत सिंपल था ये। क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि प्रूव दैट थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है सर, पहले वो बताओ। एक ही प्लेन पे भाई, एक ही प्लेन पे, मतलब इस रास्ते में मैं भी खड़ा हूँ, तू भी खड़ा, तेरा दोस्त भी खड़ा है, तो इसको बोलते हैं कोप्लेनर, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ठीक है, तो प्रूव दैट थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, प्रूव दैट थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट्स नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक मिनट, इंक दीजिएगा मैडम, कहां तक लेते रहा, ऑड इवेंस वाले यार, माइनस वन प्लस टू टेन कितना होगा, टेन क्या इवन ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर टेन, इवन ऑर्डर है, तो टू से डिवाइड होता वो इवन होगा ना, तो वन आंसर आएगा ना। चलो करो जल्दी आगे का, चलो फिर चालू ही, ठीक है। तो देखो, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो देखो फर्स्ट है प्रूफ में, तो तीन लाइंस अगर कोप्लेनर है तो एक से प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ओनली इफ पार्ट, पहले ओनली इफ पार्ट देखो, देखो यहाँ पे ओनली इफ पार्ट है, ओनली इफ, ठीक है, तो इसको पहले समझो, ओनली इफ पार्ट, एज्यूम दैट ए बी सी आर कोप्लेनर, ओनली इफ में क्या करना है, Assume that A vector comma B vector and C vector are coplanar, ठीक है। तो केस वन ले लो यहां से, केस वन, सपोज दैट एनी टू ऑफ ए बी सी आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब दो एड करने के बाद जीरो आएगा, ठीक है। तो सपोज दैट एनी टू ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देयर एग्जिस्ट एक्स वाई एट लीस्ट वन ऑफ विच इज नॉन जीरो, ठीक है। तो देयर ठीक है, तो एक्स वाई लेंगे तो उसमें से एक नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो मतलब उसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये एक्स मान लो जीरो होगा तो वाई जीरो नहीं होगा, वाई जीरो होगा तो एक्स नहीं होगा, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ विच इज नॉन जीरो, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको और तरीके से क्या लिख सकता हूं, यहां पे जीरो ऐड करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जीरो सी इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। एक्स वाई जीरो इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो यहां से क्या मिलेगा,
एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू क्या है? जीरो ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे लीनियर फॉर्म में होगा ना, कोलिनियर देख यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर लाइन होता है। तो एक से वाई बी के फॉर्म में लिखा है, जेड नहीं लिया है, तीन वेरिएबल है ना, एक्स वाई जेड है, ठीक है, तो दो वेरिएबल लिया हूं। तो जब कोलिनियर होगा, देख यहाँ पे लिखा है कोलिनियर, कोलिनियर बोले तो एक लाइन में लाइन लाई करता है, ठीक है, यहां से यहां तक ए हो गया, ये तेरा बी हो गया, एक ही लाइन में लाई कर रहा है, उसको कोलिनियर बोलते हैं। तो जितना लाई करेगा सम उसका जीरो होता है, एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो, समझा क्या? तो अभी देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जीरो इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ क्या? तो वही लिखा हूं, देखो जीरो ऐड कर दे इसमें, तो जेड का वैल्यू जीरो है ना, नहीं है मतलब, खाली उसको दिखाने के लिए लिखा, ठीक है। तो x से प्लस वाई बी प्लस जीरो सी इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो x कॉमा वाई कॉमा जीरो इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ x से वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जीरो सी वेक्टर, जीरो सी वेक्टर इक्वल टू जीरो, या जेड सी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जेड तो जीरो है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है एक्स वाई जीरो, इसका सॉल्यूशन है इस लाइन का, समझ में आ गया? जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकाल देते, मान लो एक्स का वैल्यू मान लो वन दे दिया, माइनस वन, तो वाई का वैल्यू कितना है? वन आया, समझ में आ गया? तो अभी वैल्यू डाल इधर, माइनस वन प्लस वन कितना आता है? दोनों कट होंगे, जीरो आता है। तो ये पॉइंट जो है एक्स वाई जीरो, ये इसका सॉल्यूशन है, समझ में आ गया? चलो अभी नेक्स्ट केस देखो, केस टू। नाउ नो टू वेक्टर्स ए बी सी आर कोलिनियर, अभी कोलिनियर नहीं है, मतलब एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, तू मान लो इधर है, दूसरा कोई किधर भी और जगह पे है, तीसरा कोई और है, तो उसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो लिख देता हूं, नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोलिनियर, ठीक है, एज एज सी वेक्टर इज कोप्लैनर विथ विथ ए एंड बी वेक्टर, ठीक है, कोप्लैनर है मतलब सेम प्लेन पे लाई कर रहा है, इसी पृथ्वी पे है वो, खाली इतना बोला है, ठीक है। तो कोप्लैनर है तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, कोप्लैनर है तो c इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, x से वेक्टर प्लस y भी वेक्टर लिख सकता हूं ना, इसके पहले वाला इक्वेशन देखो, जब कोप्लैनर मतलब सेम प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है, सेम लाइन में नहीं होगा, मतलब a वेक्टर यहां हो सकता है, b वेक्टर ऐसे हो सकता है, c वेक्टर ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लूं ट्रायंगल लॉ से, ये तुम्हारा a वेक्टर हो गया, ये तुम्हारा b वेक्टर हो गया, तो रिजल्टेंट ये मिलता है ना, c वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर ना, समझा? तो उसी तरह से c वेक्टर इक्वल टू x से प्लस y भी लिख सकता हूं ना रिजल्टेंट। तो देखो अभी बहुत सिंपल है अभी आंसर, तो यहां पे कुछ नहीं तो वन है ना, तो अभी इसको राइट साइड में लो तो क्या मिलेगा, x से वेक्टर प्लस y भी वेक्टर माइनस वन सी वेक्टर इक्वल टू जीरो लिखूंगा, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड पॉइंट से कंपेयर करो, तो पॉइंट्स क्या मिला, एक्स कॉमा वाई कॉमा माइनस वन, तो ये सॉल्यूशन हो गया ना, इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ किसका, ऑफ एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू जीरो, तो जेड का वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस वन, तो यहाँ पे क्या आया था, जेड का वैल्यू जीरो आया था, जब कोलिनियर है तो जेड का वैल्यू जीरो, मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, ये है ए ये है बी, सी का वैल्यू क्या है, जीरो। जब कोप्लैनर है तो एक्स वाई और जेड का वैल्यू क्या है, माइनस वन, समझ आया क्या? यहां तक लिखो फिर बताता हूं क्या हुआ था, क्या लिखा था, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करेगा इफ पार्ट, ठीक है, इफ एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट पार्ट में क्या दिया हुआ था, कन्वर्सली
तो अभी उल्टा लिख करेंगे सॉल्व कन्वर्जली। कन्वर्जली में क्या है, एक से प्लस वाई बी प्लस जेड से। मैं मान लिया कि ये कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन मान लिया, दिया हुआ था ना, तो मान लिया भाई, ठीक है। तो यहां से अगर मैं जेड सी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, जेड ए प्लस वाई बी माइनस एक से माइनस वाई बी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं यार। तो सी वेक्टर इक्वल टू माइनस एक्स ए बाई जेड ए वेक्टर माइनस वाई बाई जेड बी वेक्टर लिख सकता हूं। तो जब ऐसा लिखते हैं सी वेक्टर इक्वल टू, मान लो इसको क्या ले लेता हूं, अल्फा ले लेता हूं, अल्फा ए प्लस बीटा बी। तो इसको क्या बोलते थे अभी सिखाया हूं ना, कोप्लैनर। गुड, तो इस क्या हो गया ये कोप्लैनर। मतलब देखो जो प्रूफ करना था उसी से मैं प्रूफ कर दिया कि ये कोप्लैनर है ना, समझ में आया तुमको। तो बस हो गया, यही आंसर है, तो कोप्लैनर है ना, बस हो गया प्रूफ। तो मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन को हम लोग कोप्लैनर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोप्लैनर को लीनियर कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं ना। चलो लिख लो फिर, हो गया। तो इससे कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, सी इज कोप्लैनर विद ए एंड बी, कोप्लैनर विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलो लिख लो, पॉज करो, ठीक है। देखो फोर्थ सम, देखो फोर्थ में क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस एक्सप्रेस माइनस आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर टू आई प्लस जे माइनस फोर के। दूसरा क्या है, टू आई माइनस जे प्लस थ्री के एंड थ्री आई प्लस जे माइनस टू के, ठीक है। ये 2015 में, ठीक है। तो इस वेक्टर कॉम्बिनेशन को लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है ये तीनों के फॉर्म में, ठीक है। तो पहले ए बी सी और आर ले लो, तो तुम्हारा ये ए और ये बी और ये सी और ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो आर वेक्टर इक्वल टू, आर वेक्टर इक्वल टू ऐसे हम लोग लिखते थे ना, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, ठीक है। और ये तुम्हारा ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और ये सी वेक्टर, और ये आर वेक्टर हो गया, ठीक है। तो लिख दू वैल्यू, लिख दू क्या, समझा गया। चलो तो एक्स को, आर को क्या लिखूं, माइनस आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के, ठीक है। यहां पे एक्स हो गया, ए का वैल्यू क्या है, टू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस फोर के वेक्टर, ठीक है। प्लस वाई, वाई का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू मतलब ये क्या है, टू आई माइनस जे प्लस थ्री के प्लस जेड वेक्टर, मतलब जेड इक्वल टू, ठीक है। तो सी का वैल्यू क्या है, थ्री आई प्लस जे माइनस टू के, याद क्लियर है। तो अभी देखो सॉल्व करना है, तो क्या करता है तुम, राइट साइड में देख, इधर आई है ना, तो सब में से आई कॉमन ले, तो आई कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा, टू एक्स, इसमें क्या बचेगा, 2y बराबर, इसमें क्या बचेगा, 3z, समझा क्या। ये तीन दिख रहा है तुम्हें, i i i तीन टर्म है, तो इसमें से i कॉमन लिया, क्या बचेगा, 2x, इधर i कॉमन लिया, क्या बचेगा, 2y, इधर से i कॉमन लिया, 3z, समझा क्या। उसी तरह से z को कॉमन ले, j को, j कॉमन लिया, तो क्या बचेगा यहाँ, x, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस वाई, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस जेड, प्लस जेड, समझा क्या। अभी क्या कॉमन लूं, कि
के वेक्टर, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस फोर एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री वाई, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस टू जेड, गुड ठीक है। तो ये इक्वल टू माइनस आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के, समझा क्या। अभी इक्वेट कर, ये इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस वन, तो तीन इक्वेशन आ जाएगा ना इक्वेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो लिख लो यहां पे इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड्स क्या मिलता है बताओ, माइनस वन, माइनस वन इक्वल टू ये क्या है टू एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड, ये फर्स्ट इक्वेशन मिला, समझा। अभी ये क्या मिलेगा इक्वल टू माइनस थ्री, तो माइनस थ्री इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये कौन सा इक्वेशन मिला सेकंड। अच्छा कैसे कर रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा, तो ध्यान ही नहीं है तेरा। ये आई है ना, ये आई को आई के साथ इक्वेट किया, तो एक इसका कोएफिशिएंट वन है ना माइनस वन, तो माइनस वन इक्वल टू ये लिखा, ये समझ कि ये आई था, ये पूरा इंटू आई था ना, समझा क्या, देखो आई इंटू पूरा है ना, तो आई से आई कैंसिल कर दिया, नहीं समझा तो लिख, समझा भाई। यहाँ पे जे था और यहाँ पे इंटू क्या था जे था, तो जे जे कैंसिल कर दिया, ओके सर। अभी समझा, अभी इधर मैं बताता हूँ, अभी फोर, अभी क्या बताएगा फोर के इक्वल टू, ये क्या के, के वेक्टर इक्वल टू बताओ माइनस फोर एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू जेड, समझा क्या, के उड़ा दो, के उड़ा दिया, तो फोर इक्वल टू क्या बचा माइनस फोर एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू जेड। देखो तीन इक्वेशन तीन अननोन दिख रहा है तुझे, ठीक है, तो ये मेथड नहीं आता है फिर भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये मेथड सीखना है तेरे को, चलो इजी कौन सा रहेगा कोई भी सही है, चलो ठीक है क्रैमर्स रूल से बता देता हूँ सीख ले, बाई क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल ठीक है। तो क्रैमर्स रूल में जब डी निकालूंगा, डी मतलब डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, तो देखो 2 1 माइनस 4, हाँ तो जब डी निकालेंगे ना तो ये वाला पार्ट नहीं लेना है, ये पार्ट क्या है तुम्हारा माइनस वन इक्वल टू टू एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड, और ये सेकंड इक्वेशन क्या है माइनस थ्री, माइनस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस जेड, बराबर है, और ये थर्ड इक्वेशन है, ध्यान से क्लियर सबको। तो जब जेड लेंगे तो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट इधर लिखने का, चल बता क्या है एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट, यहाँ पे क्या है टू, यहाँ पे क्या है टू और थ्री, ये फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट हो गया, ये समझा क्या, कोएफिशिएंट मतलब एक्स वाई जेड का जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसको लिखते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या है कोएफिशिएंट बताओ, वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन प्लस वन, थर्ड में क्या है माइनस फोर थ्री माइनस टू माइनस टू, तो इसको सॉल्व करेंगे डी इक्वल टू, कैसे सॉल्व करते हैं ऑर्डर फॉलो करने का, प्लस माइनस प्लस, तो टू इंटू माइनस वन इंटू माइनस टू, ठीक है, माइनस थ्री इंटू वन माइनस टू, फिर दिस इंटू दो, ये आता है ना करने, तो अभी बताओ फटाफट, वन इंटू माइनस टू माइनस माइनस फोर इंटू वन, ठीक है, प्लस थ्री वन इंटू थ्री माइनस माइनस फोर इंटू माइनस वन, ये समझा, सॉल्व करो डी इक्वल टू टू इंटू वन इंटू माइनस टू, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा माइनस थ्री, सुनना रहा है, ये बताओ माइनस टू माइनस टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस फोर, ये क्या होगा प्लस थ्री, ये क्या हो गया थ्री माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस फोर, समझा क्या, तो ये सॉल्व कर लो, तो d इक्वल टू क्या आएगा टू इंटू माइनस वन माइनस टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू माइनस वन, तो माइनस टू माइनस फोर माइनस थ्री कितना आएगा माइनस सिक्स और माइनस थ्री माइनस नाइन आया d का वैल्यू, ये समझा क्या, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब आगे निकालेंगे। अभी देखो इसी तरह से dx का वैल्यू निकालूंगा, तो dx का वैल्यू निकालेंगे
तो एक्स वाला कोएफिशिएंट मत लेना, ये वाला और ये वाला, उसमें क्या लेंगे, ये और फिर ये समझा क्या? तो इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा बताओ, इसका आएगा माइनस वन, टू, माइनस थ्री, फोर, और कोएफिशिएंट एक्स वाला नहीं लेना ना, टू थ्री, और इसमें क्या आएगा, थ्री माइनस टू, सर रॉन्ग किया आपने, माइनस थ्री माइनस टू, सर रॉन्ग है, ऊपर वाला सेकंड का माइनस वन वन है, उधर लिखा आपने, मैं एक्स को नहीं लिखना है, नहीं सर लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ये इक्वेशन वन हो गया, माइनस वन टू थ्री, फिर इसको सेकंड इक्वेशन है, तो माइनस थ्री माइनस वन और ये वन, बराबर ना भाई, और जेड का क्या हो जाएगा, फोर थ्री और माइनस टू, समझा क्या? तो इसको भी सॉल्व कर लेगा ना, तो डी एक्स क्या आएगा तेरा, माइनस वन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ना कर लो क्या भाई, सॉल्व करके बताओ आंसर निकाल के। और फिर जब एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो वो होता है डी एक्स अपॉन डी, वाई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी, जेड का वैल्यू क्या आएगा, डी जेड अपॉन डी, ये आंसर होगा। चलो लिख के बताओ फटाफट।